खबरों में बढ़ते हैं, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। 50,000 लीटर दूध के नमूने जांच में पाए गए मिलावटी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मेवात के कैथवाड़ा में कूलिंग प्लांट से लिए गए नमूनों की जांच में ये खुलासा हुआ कि कास्टिक सोडा, पाम ऑयल और यूरिया से बनता है दूध। जो 50 लीटर दूध है वो जयपुर डेयरी में रोजाना सप्लाई हो रहा है। जयपुर वासी रोजाना जहर पी रहे थे, तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जयपुर वासी जहर पी रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि दूध में मिलावट हो रही है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस पे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी, क्या कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, मेवाड़ के केथवाड़ा इलाके में एक व्यक्ति है, कूलिंग प्लांट के नाम पर उसने फूड डिपार्टमेंट से एक लाइसेंस लिया और उस कूलिंग प्लांट में वह नकली दूध तैयार कर रहा था। उस नकली दूध में कास्टिक सोडा, पाम ऑयल, यूरिया और अन्य केमिकल मिलाकर तैयार करके जो दौसा में डेयरी के पीएमसी है उन संचालकों को वो प्रतिदिन सुबह और शाम 50,000 लीटर दूध की सप्लाई करता था। वो बीएमसी संचालक डेयरी के बड़े पदाधिकारी हैं, वह पदाधिकारी उस दूध को जयपुर डेयरी में सप्लाई करते थे और जयपुर डेयरी से वह दूध पूरे जयपुर शहर में के उपभोक्ता उपयोग कर रहे थे। यानी जो जहर था, अपन कह सकते हैं कि जो आमजन द्वारा, जो डेयरी द्वारा सप्लाई किया जा रहा था दूध, वो जहरदार उसको पिया जा रहा था। क्योंकि कल जो पुलिस हेडक्वार्टर की क्राइम ब्रांच है उसने केतवाड़ा और दौसा में अलग अलग छापेमारी की और वहां से दूध के सैंपल लिए थे। करीब 50,000 लीटर दूध भी वहां मौके से बरामद किया था। दूध के अलावा अन्य सामग्री भी, खाद्य सामग्री बरामद की गई थी, उसके भी नमूने लिए गए थे। जो दूध के नमूने लिए गए थे, 3 नमूने लिए गए थे, तो एक नमूने में तो जो जांच में स्वास्थ्य विभाग की प्रयोगशाला की जांच में सामने आया कि वनस्पति तेल, माल्टोज, स्टार्च, स्क्रोज, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट पाया गया, जबकि दूसरे में वनस्पति तेल, माल्टोज, स्टार्च, अमोनियम और कार्बोहाइड्रेट की मिलावट पाई गई। वहीं तीसरे में डिटर्जेंट जो कपड़े धोने के काम आता है, ग्लूकोज, पानी, कार्बोहाइड्रेट की मिलावट पाई गई, जो अपने शरीर के लिए बहुत ही घातक है। यह केमिकल्स हैं, कई प्रकार की बीमारियां होने की पूरी संभावना है। कार्बोहाइड्रेट रहते ये ऐसे केमिकल है जिनसे कैंसर की बीमारी भी होना लाजमी है। ऐसे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अब 3 जो नमूने पाए गए हैं वो मिलावटी पाए गए हैं, उसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाएगा। इनमें डेयरी के कई पदाधिकारी भी शामिल है। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।